इस मुद्दे पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो क्रिएट किया लोग फोर्स पर जो है कि पथराव किया और सरकारी खुद ही बल प्रयोग किया है लोग फोर्स घायल है, तो इस आधार पे जो भी FIR होगा हम लोग दर्ज करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि दोबारा इस तरह की गलतियाँ न करें। कुछ लोग जो बगल के हैं अभी नाम पता हम लोग चौकीदार से लिखवा रहे हैं और कुछ संगठित ग्रुप है इसके पीछे, वो लोग जबरन जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो बिहार सरकार गरीबों को निर्दर्दितों बरसाता है बिल्कुल, हम लोगों को पैसा लेकर भी हम लोग को मारा जा रहा है सर। लेडीज पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, मर्द वाले जितने भी पुलिस वाले हैं सभी लेडीज से लाठीचार्ज करने लग गया है। अच्छा। हम लोगों को दोहराया गया है, कुत्ते के जैसे मारा गया है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला के ककरौल उत्तरी में और अभी ककरौल उत्तरी का यहां सामने हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि एक राजा टोला है और इधर बगल में ही धोबी टोला है। मामला ये है कि कल से यहां पर जहां पे मैं अभी खड़ा हूं यहां अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी। लगातार पिछले कई महीनों से साजिशन यहां पे कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे। आपको बताएं कि बगल में हरिजनों का मोहल्ला है, वो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि यहां पर किसी तरह, आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरह से ये लाल धागा इसी से बांध करके किसी तरह जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जो यहां इस जमीन के मालिक हैं, जो लोग भी यहां के मालिक हैं, उन लोगों ने जिला प्रशासन को कंप्लेन किया था, अलग अलग थाने में जो लोकल थाना है उन्हें कंप्लेन किया था, जिसके बाद से जो लोकल थाना थी वो एक्टिव हुई और जिस तरह से कल यहां पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, फिर जिन लोगों का जमीन कब्जा किया जा रहा था उन्हें मारने पीटने और धमकाने की कोशिश की गई, उसके बाद आज सुबह सुबह जिला प्रशासन खुद यहां पहुंची, अश्विनी कुमार जी, DSP और तमाम जो आसपास के SHO थे वो यहां पहुंचे। लेकिन हुआ ये कि सामने वाले पक्ष से जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने जिस तरह से पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी और लाठीबाजी शुरू कर दी, उसके बाद मधुबनी जिला प्रशासन के कई लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि इस क्रम में जो मधुबनी जिला से जो भी प्रशासन के लोग आए थे उसमें से कई लोग घायल हो गए। आपको बताएं कि SHO खुद घायल हो गए हैं, एक महिला पुलिसकर्मी के हाथ में अच्छी खासी चोट आ गई है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से घायल है और अभी आराम कर रही हैं। आपको बताएं कि ये सामने वाला जो मोहल्ला है वहां से तमाम जो लोग थे वो निकल करके और मारपीट कर रहे थे और किस तरह से पुलिस को घायल करने की कोशिश की गई। जब मामला इस तरह से हुआ कि पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया तो जवाबन पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं लाठी चार्ज किया और अपना बचाव किया। इस बीच हम आपको बता दें कि हमने मधुबनी जिला प्रशासन से जुड़े हुए मधुबनी के जो SDO हैं अश्विनी कुमार जी, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि क्या कुछ अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। जो जमीन के मालिक हैं, जो लोग भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है कि आज यहां पुलिस प्रशासन को आना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से जिस तरह से कुछ सालों से जिस तरह से मधुबनी जिला में भी जमीन को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, ये बेहद अफसोस का मकाम है। और कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया है किस तरह से जमीन को लेकर के ही भतीजे ने चाचा का मर्डर कर दिया था और वो भी यहीं पास के सप्ता में ही। तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये बेहद भयावह है और कहीं ना कहीं मधुबनी जिले में अब शांति की काफी जरूरत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिला के SDM और जो अन्य लोगों से हमने बातचीत की। लाठीचार्ज किया है, मर्द वाले जितने भी पुलिस वाले हैं सभी लेडीज से लाठीचार्ज करने लग गया है। अच्छा। हम लोगों को दोहराया गया है, कुत्ते के जैसे मारा गया है। क्यों मारपीट, क्यों, मतलब वजह क्या रहा इसका? एक जमीन सरकारी है, हम लोगों का यही मांग है, हम लोग गरीब आदमी है, आपका कागज है, हम लोग नहीं कब्जा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आज सरकार का है तो बिहार सरकार गरीबों को निर्दर्दितों बरसाता है बिल्कुल, हम लोगों को पैसा लेकर भी हम लोगों को मारा जा रहा है सर। अगर आपका कागज है तब दे दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे। प्रशासन के साथ में बैठ के बात करने के, प्रशासन 3 रोज से रेखा थाना आता है, अभी आया है CO साहब, बिक गया पैसा, लोग तो पैसे बना पाती है, आया है, आप आइए, आए हैं तो हम लोग से बात कर रहे हैं ना आदमी के जैसे, कि आए आप थप्पड़ मारने लग जाइएगा। प्रशासन ने आके लाठी चार्ज कर दिया था, एक मारने लग गया सभी को। आप में से कोई लोग है ऐसा पास लोग हो जो बातचीत करना चाहते हैं? बस तभी आगे बात करेगा सर आपके साथ। आप की नाम है यहाँ के? एक मेरा नाम है रेणुका कुमारी। अच्छा, की कारण मैटर की छे? मैटर है यही, हम लोग कह रहे हैं कागज दिखाइए अपना जमीन। नहीं नहीं है तो सरकार, अहाँ सबके कहब की छे? सरकारी जमीन छे की? बिहार सरकार, बिहार सरकार, जिनका कागज सरकारी ही जमीन है। अगर
तो इस तरीके से कब्जा करना क्या उचित लग रहा है? आप लोगों के पास में जमीन नहीं है मतलब लेने के लिए? इससे पहले मतलब आप लोग मतलब अधिकारी सरकारी अधिकारी से बात किए हुए थे? 22 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या करें बताइए, गलत कर रहा है ये सब? ठीक सर, आपको साथ हम लोग चलते हैं। सुनिए, कहना ये है, यदि मुंह से रुमाल लेता लीजिए ना, क्या ठीक है बताइए। कहना ये है कि यदि मानते हैं आप, देखिए कहता है कि हम लोग के पास एक ठीक है जमीन है, जिसका जमीन है हमें कोई विवाद नहीं है, क्राउड है अभी जिसने कब्जा करने के लिए सब है, कुछ जनता दलित है, महादलित सब है, सब अपना जो थोड़ा थोड़ा जगह मिल जाए अपना अपनी जिंदगी बसर करेगा। कहने का मतलब हमें इनसे कोई विवाद नहीं है, ना ही हम पथराव करना चाहते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं। आप अगर कहना चाहते तो दिखला दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। छापा है ठीक है, सरकार ठीक जन बात करते हैं। कुछ लोग जो बगल के हैं, अभी नाम पता हम लोग चौकीदार से लिखवा रहे हैं, और कुछ संगठित ग्रुप है इसके पीछे, वो लोग जबरन जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कल शाम में भी हम लोग समझा बुझा के हटाए, वो लोग आश्वासन दिया कि गलती हो गई, दोबारा हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन आज सुबह फिर से वैसा किया। उसके बाद लोकल थाना DSP साहब BDO CO सबको लेके आए हैं, उन लोगों को विधिवत हम लोग हटवा रहे थे, जिसमें कि हमारे थाना प्रभारी रहिका को तथा अन्य कई जवानों को चोटें आई है, और फिलहाल तो हम लोग ने बल के साथ उन लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन संभावना है कि फिर से वो लोग विधिवत का समस्या उत्पन्न करेगा, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करें, विधिवत FIR करवा रहे हैं। बाकी डिटेल DSP साहब बताएंगे आपको। गिरफ्तारी अभी हुई है, हम लोग उसको विधिवत प्रोसेस करेंगे। वही विधि व्यवस्था की समस्या थी, अगर ये लोग को जमीनी विवाद अगर है तो जब तक अगर कोई भी लीगल अथॉरिटी या कोर्ट अगर इन लोग को फैसला नहीं देता है तो किसी के जमीन पे या बिहार सरकार की अगर चढ़ाई करना ऐसे छिपना ये इलीगल है। और इस मुद्दे पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो क्रिएट किया लोग फोर्स पर जो है कि पथराव किया और सरकारी खुद ही बल प्रयोग किया है, लोग फोर्स घायल है, तो इस आधार पे जो भी FIR होगा हम लोग दर्ज करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि दोबारा इस तरह की गलतियाँ लोग न करें। कितने जवान घायल हैं? अभी हमारे एक SHO घायल है, 2 या 3 जवान घायल हैं, बाकी चूंकि अभी हम लोग ऑपरेशन में हैं, हमने पूरा रिपोर्ट ले लिया, बाकी हम लोगों को आगे देखें। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम विनोद चौधरी है। मेरा आज जो यहाँ पे झड़प हुई है, ये पुलिस और प्रशासन और यहाँ के जो ग्रामीणों के बीच में क्या कुछ वजह है और आपका? ये जमीन मेरा खानदानी है, ये जी बोलिए ना, बोलिए। ये जमीन जो है मेरा खानदानी जमीन है, ये ब्रह्मोत्तर का जमीन है, मेरे परदादा वृद्धा प्रपितामह ये रघुनाथ चौधरी के नाम से है, ब्रह्मोत्तरदार थे वो। आज हम लोग 4 पटीदार हैं, आपस में बट गए हैं और बट के टुकड़ा टुकड़ा में ये जमीन बट चुका है, और ये जमीन अभी जो है ये लोग कहता है कि ये बिहार सरकार है, छोटा जात सब दुसाद ये धोबी ये सब मिल करके कब्जा किया है। अच्छा, ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, कब से ये काम चल रहा है? लगभग 1 महीना से ये लोग प्लान बना रहे थे। अच्छा। इसके एवज में ये जो है अंचल अधिकारी थाना अध्यक्ष सबको हम एप्लीकेशन दे के रखे हुए हैं। अच्छा। उसके बावजूद कल भी जब ये लोग घर बनाने लगा तब भी हम थाना को इन्फॉर्म किए, यहीं पर यही कलम बाग में इसी में घर बनाना शुरू कर दिए। अच्छा। पेड़ को काटे हैं, बांस को काटे हैं, जहां तहां बांस कटा हुआ है, जरा देख लिया जाए, बांस कटा हुआ है, आम का पेड़ काटा है, डाल सब काट दिया है। अच्छा। और यहां से वहां तक जितना जमीन है वो टुकड़ों में बंटवारा है, देख लिया जाए टुकड़ों में बंटवारा है, ये 2 कट्ठा 1 कट्ठा में विभक्त हो चुका है जमीन, और इस पर कब्जा करना चाहता है। कौन लोग आपके हिसाब से इसमें शामिल हैं जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि यहाँ पे कब्जा कर? यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले ढेर हैं, नेता लोग हैं। अच्छा। हाँ, कौन लोग? CPM के नेता लोग हैं। अच्छा, CPM के लोग। हाँ, इसलिए यहाँ पे झंडा हाँ, सबको खड़ा कर दिया, अपना बैठा करके मीटिंग करके 11 बजे रात में 1 बजे रात में मीटिंग करके। कितना जमीन है टोटल, जमीन कितना है? लगभग ये जमीन 3 बीघा तो मेरे अंदर में है। हाँ। और 1 बीघा इनके अंदर में, 4 एकड़ के आसपास है जमीन। तो ये जो अभी जो मामला हुआ है, आज पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जो मामला सामने आए, कैसे हुआ, किसने कंप्लेन किया था? कंप्लेन तो की, बता दिए है कि कंप्लेन किए हुए थे, इसी के एवज में थाना अध्यक्ष आए,
और ये एसडीओ साहब भी आए हुए थे। डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि मान लीजिए डॉक्यूमेंट है मेरा पूरा, उन लोगों का ये कहना है कि सरकारी जमीन है, तो क्या आमने सामने बैठ करके कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आपस में वो कहता है जो ये बिहार सरकार हो गया है, पोखरा में मछली नहीं मारो, ये कलमबाग इनका नहीं है, ये भिंडा इनका नहीं है, और आकर के घर बांधने लगा। ये मामला से आके लागे या जो शांति भ जाता है? हाँ, शांति तो होना चाहिए, होना तो चाहिए। प्रशासन तो यहाँ के 24 घंटा नहीं रहता, देख के यहाँ सब तो की लागे जे हिसाब से ओकर माहौल छले या ओते आदमी छले या और यहाँ सब 10 आदमी छले या सब कम से कम 500 आदमी छले या ओई साथ है काबू 500 आदमी 1000 आदमी से ऊपर छले ओई में यहाँ काबू रख सके छिए से बुझा रहले यहाँ के काबू तो आप उपाय करबे सब बाहर से सेहो आदमी मंगे नहीं थे। ई तो समय बता दे मान लिया अखन तक की कह सके छिए हम अखन तो सब झड़प जो हुआ है उसमें प्रशासन भी घायल हो चुका है। हां प्रशासन घायल हुआ है, दादा बाबू घायल हुए हैं, एक लेडीज जो फोर्स है वो भी घायल हुए हैं। तो क्या लगता है जब अगली बार इस तरह के मामला होंगे कहीं आप लोग जाएंगे तो हम लोगों के साथ भी? वो तो हमारे साथ कल ही करता, कल ही खून कर देता यहाँ कुछ बोलते तो। जब कल यहाँ घर बांध रहा था हम लोग चुपचाप यहाँ देख रहे थे। थाना आए थे? अरे 5 थाना आए थे, 4-5 थाना का आदमी थे, फोर्स थे। अच्छा हाँ, तब जाके कंट्रोल हुआ, तब जाके कंट्रोल हुआ, रात में सबको हटा दिए। कल कुछ नहीं कंट्रोल हुआ, कल तो रात हो गया ना, तो सब भी इस तरह का मामला रात में कर रहा था 9 बजे रात में। अच्छा, प्रशासन यहाँ सामने में खड़ा था, उसके बावजूद ये लोग आमने सामने हो रहा था प्रशासन के साथ। तो आज मैं आए हैं, एसपी साहब को फोन गया है, तो डीएसपी साहब आए हैं, ये एसडीओ साहब आए हैं, और उसके बाद जो है देखने की है जो हुआ। धन्यवाद। ठीक। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।